वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, कुछ इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू आज हम करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ हमारी खूबसूरत सी मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर शवाना मुफ्ती जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, जैसे हम आपको बताते हैं, और इसके साथ साथ लाइफ कोच भी हैं, आपकी थेरेपी भी कर सकती हैं और आपको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स भी देती हैं, साइकोलॉजिकली आपको इतनी अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। वेलकम टू द शो शवाना, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड टू बी बैक। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जबरदस्त। आज हम आते ही शवाने से कहा, शवाने आपने और मैंने वाइट पहना है, मतलब आज हम सही जुम्मे का एहतमाम कर आए। अच्छा शवाने, आज हम पेरेंटिंग के हवाले से बात करने वाले हैं कि बच्चों का रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स जो है उनका कितना अच्छा रिलेशन होना चाहिए बच्चों के साथ। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक एक्चुअली। अच्छा, लवली, तो फिर मजा आएगा आज हमें डिस्कशन का। सबसे पहले हम बच्चे का करते हैं आगाज, क्योंकि माँ के साथ उसकी एफिलिएशन बहुत ज्यादा होती है, आगाज माँ के साथ ही उसका रहेगा और फर्दर उसको हम आगे लेकर चलेंगे। तो देखो अर्मला, मैं ये कहती हूँ कि बच्चा जो है अल्लाह मियाँ का सबसे खूबसूरत तोहफा है हमें, और अगर हम उसकी तरबियत नशोनुमा सही करते हैं तो हमारी जनरेशन संवर सकती हैं। और बच्चे की तरबियत में सबसे पहला जो हाथ होता है और जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो मदर का है, उसके बाद जो इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस होते हैं उस पर पूरे खानदान के होते हैं, दादा दादी नाना नानी फादर, लेकिन वो सब इन्फ्लुएंसेस उनकी जो है इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी माँ की है। क्यों? क्योंकि देखें, जो माँ होती है ना, जो बच्चा देखता है वो ज्यादा सीखता है। आप मुंह से बच्चे को जो मर्जी कहते रहें, बोलते रहें, लेकिन उसने लीड बाय एग्जांपल वाला चक्कर होता है कि उसने वही करना है जो कि वो घर का माहौल देख रहा है, और वो सबसे ज्यादा उसको इफेक्टिव होता है। अब अगर बच्चा देखता है कि मेरा फादर जो है माँ की इज्जत करता है, उसे प्यार मोहब्बत शफकत से बात करता है, दादा दादी नाना नानी ये सारे रिश्ते जो हैं उसकी माँ की इज्जत करते हैं और प्यार करते हैं, तो यही बच्चा आगे जाके एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा बेटा और अपने तमाम रिश्तों को खूबसूरती से निभा सकेगा। तो आप उस बच्चे को जो मर्जी समझाते रहे, लेकिन जो वो देखेगा ना, वही एक रोल मॉडल है, एक रोल मॉडल है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि माँ का यस, क्योंकि ज्यादा टाइम घर में होता है और उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है कि बच्चों को अच्छी तरह रेज करे, तो छोटी छोटी बातें जो हैं बच्चों को शुरू से इंस्टिल कर देनी चाहिए। वैल्यूज तो घर से मिलेंगी, तबीयत घर से मिलेगी। आप अपने बच्चों को शुरू से बताएं कि उठना है तो आपने अपना बर्तन खुद उठाना है, सिंक में जाके रखना है, मुलाजमों के ऊपर आपने रिलाई नहीं करना, अपना बेड खुद क्लीन करें, छोटा छोटा कहीं गंद पड़ा है तो उठाते रहें। ये छोटी छोटी बातें माँ बताती है, ये कोई बाहर वाला नहीं बताता। लेकिन माओं को मैं एक डायरेक्ट मैसेज ये जरूर देना चाहूंगी, और ये माएं जरूर प्लीज समझ लें कि अगर घर में कोई तनाजात हैं या माँ और हस्बैंड की, मतलब उसके फादर की आपस में नहीं इतनी बनती, या सास के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, तो ये तमाम तनाजात बेडरूम में सॉल्व करें, दीवारों के पीछे सॉल्व करें, बच्चों के सामने अपना कॉन्फ्लिक्ट पेश मत करें। चाहे आप बच्चों को डायरेक्टली माँ बताए या ना बताए, लेकिन एक उदास चेहरा माँ का जो होता है ना, बच्चे बड़े परसेप्टिव होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि हमारी माँ उदास है, कोई गड़बड़ चल रही है। और ये वाला बच्चा जो होता है, जब माँ अपना इमोशनल बैगेज बच्चे के ऊपर डाल देती है और अपनी महरूमियां उसके अंदर मुंतकिल कर देती है, तो उसके दो चार इफेक्ट्स होते हैं। बच्चा, ऐसा बच्चा जो होता है वो केयर फ्री नहीं होता, वो बचपन में ही एक छोटा सा आदमी बन जाता है, सुद्धा सा आदमी, और वो जो बच्चा होता है बड़े होकर अपने रिश्ते भी अच्छी तरह नहीं निभा सकता। माँ ना चाहते हुए भी, ना बोलते हुए भी अगर बताए कि मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट है अपने उसके फादर के साथ, तो उसमें ये होता है कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी खत्म हो जाता है और बच्चे को डबल मैसेजेस मिल रहे होते हैं। बच्चे को कभी डबल मैसेजेस मत दें, अपने तनाजात कमरे में सॉल्व करें, चाहे जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे को अपनी महरूमियों से प्रोटेक्ट करें, ताकि वो आगे जाके उसमें एक खुद एतमादी पैदा हो, कॉन्फिडेंट हो, उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो हाई हो, तो फिर वो एक कामयाब इंसान आगे जाके बनेगा। अच्छा शवाना, अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों, आजकल के बच्चों का प्रॉब्लम है कि वो फोकस्ड नहीं है, गोल्स नहीं है, पेरेंट्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, माँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नो डाउट आजकल के दौर में जितनी तेजी आ चुकी है उसमें बहुत सारी चीजें कहीं पीछे रह जाती है, हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। बच्चे की परवरिश में माँ के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो उसके और बच्चे के रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग करे कि वो हर चीज के लिए एक डिपेंडेंट भी ना हो लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस भी हो। देखिए, वो पुराना जमाना गया जिसमें हम कहते थे कि बच्चे को सख्ती से बात करेंगे या मार कुटाई या डंडा पीर वाली बात वो नहीं चलता, नहीं चलता। यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल लैंग्वेज जो बच्चा समझता है वो सिर्फ प्यार मोहब्बत और शफकत की समझता है। तो हर एज के अपने तकाजे होते हैं। अगर माँ पढ़ी लिखी है तो उसके लिए एक थोड़ा सा एज हो जाता है, बेनिफिट होता है कि वो उस एज के तकाजे समझ के
उसको बच्चे को हेल्प कर सकती है. अब दो चार साल का बच्चा अगर टेंट्रम्स थ्रो करेगा तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा. अब टीनेजर हो गए वो वैसे ही बागी होते हैं. ठीक है, तो आजकल जो एक ये चीज समझ लेनी चाहिए कि ये पुरानी जनरेशन और इस जनरेशन में बहुत ज्यादा फर्क है. पहले जमाने में ये कहा जाता था कि तसलसल अगर है ना, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में टाइम पे चले गए हैं और वहां जाके आपने एक काम मुसलसल करते रहे हैं तो कामयाबी की जमानत होगा. आजकल जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन डिफरेंट है. उनको शुरू से सिखा दिया जाता है कि क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, कोई ऐसी इंफ्रादियत लेकर आए तो फिर आपको आगे कामयाब इंसान बनेंगे. तो ये वो वाली सोच नहीं है जो पहले सोच होती थी कि जो आप ये काम करेंगे तो फिर ऐसा होगा. आजकल के बच्चों को स्कूलों में ये सिखा दिया जाता है कि यू हैव टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी यूनिक. और अगर ये चीज है तो आगे जाके जब जॉब्स आप लेते हैं, अगर आप अपने आपको दिखा सकते हैं कि हम इंफ्रादी हैं, हम क्रिएटिव हैं, तो फिर आपके सक्सेस रेट भी हाई हो जाता है. तो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि आजकल के बच्चों को आप अपने तरीके से डील नहीं कर सकते. बल्कि अगर ऐसी कोई, मैं तो वैसे बता रही हूँ, लेकिन पेरेंटिंग अगर आपको और मजीद हेल्प चाहिए तो उनकी बुक्स भी अवेलेबल हैं. और हर बच्चे की एज के तकाजे के साथ आप उसकी डिमांड और उसकी चीजें बढ़ तो पहले अगर आप ये एक्सेप्ट कर लें कि वो पुराने वाले तरीके नहीं चलेंगे और नए तरीके आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे. और उसमें सबसे पहले मोहब्बत, शफकत और बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन, दोस्ती बहुत जरूरी है. दोस्ती अगर आप नहीं करेंगे, और वही एक कहते हैं ना पहले जमाने उकाब की नजर, उकाब की नजर जरूर रखें लेकिन एक ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन उसको डिस्ट्रॉय मत करें. अगर बच्चा आपसे डरा हुआ है तो उसने क्या करना है, बाहर जाके अपने दोस्तों से बात करनी है. और दोस्तों का एक्सपीरियंस वही होगा जो बच्चे का एक्सपीरियंस है. तो वो अपने ही लिहाज से उसको गलत किस्म की एडवाइजेस देंगे और बच्चा जो है वो घर में किसी से वो आपसे डिस्कस नहीं कर रहा. और आजकल के जमाने में तो गैजेट्स और फिर उसके बाद फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया का और साइबर बुलिंग, आप साइबर बुलिंग होता है जो इंटरनेट के जरिए जो आप एक दूसरे को बुली कर रहे होते हो, डरा धमका रहे होते हो. तो ये सारे फैक्टर्स आजकल बहुत ज्यादा हैं जो पुराने जमाने में नहीं थे. तो माँ बाप को भी जरा नया बनना पड़ेगा, माँ बाप को भी एजुकेट करना पड़ेगा और बच्चों को भी जरा उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक जनरेशन गैप तो है शमाना, उसको आप फिल नहीं कर सकते. अच्छा, अभी हम बच्चों की इस टीनेज की बात करें, थोड़े रिलेशनशिप से पहले हम प्रोफेशन पे आते हैं. आप प्रोफेशनल जिंदगी में कदम रखने के बहुत सारे प्रेशर होते हैं, चाहे वो सोशल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, ये बनना है, वो बनना है, ये करियर परसू करना है, बहुत सारी चीजों पे बच्चे अपनी मर्जी नहीं कर पाते, वालिदैन अपनी मर्जी चाहते हैं, वो फिर जो गैप होता है ना और थोड़ी जो खटपट हो जाती है वो बड़ी खराब होती है. खटपट देखिए, आप सबसे पहले तो ये देखिए ना कि आपने अपने बच्चे की एक तरबियत की, उसके अंदर वैल्यूज इंस्टिल की. आप चाह रहे हैं कि वो आगे जाके एक सक्सेसफुल आदमी बने, आप उसकी एक तरीके से तरबियत कर रहे हैं. और फिर जाके जब वो आप उसको एक बचपन से लेके आप उसकी तरबियत क्या कर रहे हैं कि जब वो एक आदमी बन जाए तो अपने फैसले अच्छे तरीके से कर सके, कॉन्फिडेंटली कर सके, गलत और अच्छे में तमीज कर सके. अब वो जाके जब अपना ही फैसला करता है तो आप उसी फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, तो आप अपनी ही तरबियत को चैलेंज कर रहे हैं ना. तो इसका मतलब है कि आपको अपने ही बच्चे पे भरोसा नहीं है, अपनी ही तरबियत पे भरोसा नहीं है. चलो मान लिया कि कोई ऐसी बात होगी जिसमें तजाद भी हो गया, तो आपने तो अपनी जिंदगी जी ली ना. अब अपने इनकम्प्लीट या नामुकम्मल ख्वाब अपने बच्चों के जरिए मत जिए. ठीक है, आपने अब वही पहले जो मैंने बात की थी, अपनी महरूमियाँ उनकी जिंदगी में उनके थ्रू मत आप डोंट लिव इट लाइक यू नो कि आप सोचें कि हम उनकी जिंदगी में वो अपने ख्वाब जो हैं हमारे पूरे कर सकते हैं. कुछ बच्चों में एहसास खुद भी होता है शमाना, भी होता वो है. अगर चाहते हैं, अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कुछ तो वो कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं. लेकिन आप ये देखें ना कि बच्चे का पोटेंशियल क्या है. आप चाहते हैं जी वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पुरानी सोच थी, उसको आर्टिस्ट बनना है, उसको सिंगिंग करनी है, म्यूजिक, ठीक है. आप एज ए पेरेंट ये बता सकते हो कि इसमें शायद इतना पैसा नहीं है, आप आगे जाके इतने खुश ना रहो, लेकिन अपने प्लस माइनस बता के बच्चों को बता दें कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. लेकिन उनको इतना जबर मत करें कि वो बागी हो जाएं. प्यार मोहब्बत से डिस्कस करें, उनका प्रोस्पेक्टिव समझें. अपना प्रोस्पेक्टिव आप बता सकते हैं लेकिन थोप नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी उनकी है. आगे जाके सारी उम्र वो यही कहते रहेंगे कि हमारे माँ बाप ने तो ये कहा तो हमने जबरदस्ती कर लिया. नॉट ओनली दैट, वो सक्सेसफुल भी नहीं होंगे. हाँ, क्योंकि जिस काम में आपका दिल नहीं है वो आप कैसे कर सकते. पैशन होना चाहिए. और फिर आपको जिंदगी तो एक ही दफा मिली है, आपने एक ही दफा जीनी है, तो अपने ड्रीम्स उनको जो है छोटे बड़े सब जीने दें, जिंदगी जीने दें. अच्छा, उसके बाद शवान हम आते हैं रिलेशनशिप्स पे. अब चूंकि इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, प्रोफेशनल जिंदगी में आ जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ इस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं, फैमिली कुछ ऐसे कहने
बैलेंस नहीं रख पाते हम लोग कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से रिलेशनशिप चूज करने में हेल्प करनी है. हमारा होता है कि ये मामलात हैं, बस इसी तरह से करना है. जब कोई लव मैरिज की तरफ जा रहा है, चाहे वो अरेंज भी उस तरह से नहीं करना चाह रहा, हमारे यहाँ बहुत सारे प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं. मुझे आप अरमला भी ये बात बताएं कि पहले तो यही बात हो गई ना कि पूरे आपने जिंदगी बच्चों की, आप शादी तो होगी कोई 20-26 साल में जाके, 25 साल में जो भी शादी, तो जो पिछले 25 साल आपने बच्चे के साथ गुजारे, जो वैल्यूज उसमें इंस्टिल की, और अब जाके आपका बच्चा ये कह रहा है कि मैंने यहाँ शादी करनी है, डोंट यू थिंक इट्स ऑलरेडी टू लेट? कि आपको वो आके पहले ही बता रहा है, तो आपने जो तरबियत की, जो आपने उसके अंदर वैल्यूज इंस्टिल की है, वही वाली बात है कि अब आप उसी के अच्छे बुरे की तमीज सिखाती, उसी के फैसले को आप चैलेंज कर रहे हैं कि तुम सही तमीज नहीं कर सकते. तो किस किस्म का एडल्ट बना के ना सिर्फ शादी, बाकी सारे रिश्ते और आगे जो उसकी जॉब और जितने भी जिंदगी के बड़े मसले होंगे या डिसीजंस होंगे, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम तो इस काबिल नहीं कि सही डिसीजन लो. तो बात वही आ जाती है कि अगर आपने शुरू से घर का एक माहौल बना के रखा हुआ है जिसमें फ्रेंडशिप है, जिसमें कम्युनिकेशन है, जिसमें आप अपना मतलब बच्चे को बता रहे हैं, तो ये नौबत ही नहीं आएगी. लेकिन सपोज अगर ये नौबत आ जाती है तो फिर आपको क्या करना है? तो आप क्या उसको हीर रांझे वाला, रोमियो जूलियट वाला सिनेरियो क्रिएट करेंगे? तो उसने भी वही काम करना है, वो रोमियो जूलियट की तरह कहेगा मैंने तो नहीं भी करनी तो मैं यही करूंगा. तो इस किस्म का सिनेरियो, ये बगावत वाला जो होता है, उस तक बात नहीं जानी चाहिए. कोई ना कोई रीजन होती है पीछे, उनका प्रोस्पेक्टिव समझें. पहले जमाने में पता है कहा करते थे, एक सेइंग थी कि ट्रीट अदर्स हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड. मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट मिले तो मैं आपको रिस्पेक्ट दूं. लेकिन नहीं, आजकल ये है ट्रीट अदर्स द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड. क्योंकि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए और लव चाहिए, जो भी आपकी डिमांड है, तो मुझे वो समझना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपका प्रस्पेक्टिव क्या है, और फिर उसके मुताबिक मुझे आपको ट्रीट करना चाहिए. क्योंकि हमारे में वही ना टॉलरेंस की कमी है, हम दूसरे का प्रस्पेक्टिव नहीं समझते, अपना किसी के ऊपर थोपना चाहते हैं. तो माँ बाप का रोल ये है कि अगर बच्चा कहता है सब कुछ समझने के बाद कि मैंने समझ लिया कि इसकी बरादरी भी डिफरेंट है, मैंने समझ लिया कि इसका स्टेटस डिफरेंट है, मुझे आपकी बात सारी समझ आ गई, लेकिन मोहब्बत तो अंधी होती है, खोती पे भी दिल आ जाता है कभी कभी, सॉरी, अगर उसने कहा मैंने करना है शादी, तो फिर माँ बाप का क्या फर्ज बनता है कि उनकी जिंदगी में दुश्वारियां मत क्रिएट कीजिए. क्योंकि ये रिश्ते बड़े खूबसूरत हैं, एक से दूसरा रिश्ता बनता है, दूसरे से तीसरा, तो उनको फिर हेल्प करें. क्योंकि शादी तो इटसेल्फ मैंने आपको बताया कि बड़ा 24/7 जॉब होती है, तो अगर माँ बाप ही स्टार्ट गलत होगा तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं उनके फेलियर के. जब सब कुछ डिस्कस कर लिया और बच्चे ने फिर भी कहा मैंने यहीं पे शादी करनी है, तो फिर उनको आशीर्वाद दें, उनके सर पे शफकत का हाथ रखें, उन्होंने कहें बेटा कर लो फिर हम तुम्हारे साथ हैं. ये होना है, लेकिन शवाना जो आप कह रही है ना, ये बहुत मुश्किल काम है. मुश्किल बहुत सारे पेरेंट्स करते ही नहीं है. मुश्किल काम है तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं. अगर ये मुश्किल ना होता और सिर्फ एक रोटी घर में पकानी होती तो मैं वहाँ पे गोल वो भी मुझे वैसे मुश्किल लगती है लेकिन मैं वो कर रही होती. तो ये बातें शुरू बचपन से स्टार्ट होती है. कतरा कतरा जो होता है वो दरिया बन जाता है, तो वो पत्थर पे पानी गिरे तो कहते हैं वो भी. तो ये छोटी छोटी बातें जो है हमारे माशरे के लिए इम्पोर्टेंट है. कुछ हमारे सोशल बैरियर्स, प्रेशर्स इतने ज्यादा है कि अगर पेरेंट्स खुद चाहे भी ना, तो वो इन सब चीजों के आगे उनकी भी बस हो जाती है. देखिए, जो माँ बाप होते हैं वो लीडर्स हैं, वो बॉस हैं. बच्चे को शुरू से जब आप मैसेजेस देंगे ना कॉन्फ्लिक्टेड, तो घर का माहौल वैसे ही आप खराब कर रहे हैं. बच्चों को भी ये पता होना चाहिए कि मैं बॉस नहीं हूँ. एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट और वो जो टेम्पटरम्स थ्रो करते हैं, और बच्चे बड़े तेज होते हैं, वो भी मैनिपुलेट कर लेते हैं. उन्हें पता होता है कि यहाँ से इजाजत मिलेगी, वहां से इजाजत नहीं मिलेगी. तो अगर माँ बाप यूनाइटेड हों और बाकी दादा दादी, नाना नानी, जितने रिश्तेदार हैं, उनको सुपरसीड नहीं कर रहे और आप बैलेंस रख के आगे चलें, तो बच्चों की तरबियत जो है, मैंने कल भी बताया था कि पूरा गांव, पूरी कम्युनिटी लगती है एक बच्चे, एक अच्छा इंसान तैयार करने में. क्योंकि बच्चे ही ने आगे आगे एडल्ट बनना है और अपने रिश्ते निभाने हैं, तो आगे से ये पूरी कम्युनिटी बनेगी. अच्छा शवाना, आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज, डिटेल मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? मैं आपको फिर यही कहूंगी कि जो बच्चा होता है, मैंने आपसे बात की थी कि सबसे खूबसूरत चीज है और रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग भी करता है, लेकिन यही बच्चा कभी कभी रिलेशनशिप्स के अंदर स्ट्रेन लेकर आ सकता है. अगर आप उसकी अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो इसी बच्चे ने आगे जाके जो इंसान बनना है, अपने रिश्ते भी खराब हो जाएंगे उसके, और वो रिश्तों की खूबसूरती को नहीं समझ सकेगा. बच्चे की हर स्टेज को समझते हुए उसके साथ प्यार मोहब्बत से काम कीजिए, डांट डबट के साथ नहीं. बदलते जमाने की बदलती नीड को समझिए, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे, और ये पूरा मुआशरा फ्यूचर में अच्छा हो सकेगा. शवाना, बच्चों के लिए भी कोई मैसेज?
बच्चों को जी मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट आजकल जो बच्चे हैं ना वो जरूरत से ज्यादा, कभी कभी उनको बात समझाने की भी कोशिश करो ना, तो हमारे होता था कि टीचर आई है तो हम खड़े हो गए, हमने हाँ। बात समझने की कोशिश की। बच्चों के आजकल ये हो गया वह कि दे थिंक वी नो इट ऑल, एग्जैक्टली टेम्परमेंट इश्यूज हो गए हैं। उसमें भी प्यार मोहब्बत से बच्चे को जब बदला जा सकता है, बच्चा तो बच्चा है ना, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द पर्सन आप उसको कॉन्सिक्वेंसेस समझाएंगे, रिपरकशंस, तुम ये काम करोगे तो आगे जाके ये होगा, तो ये उसकी तरबियत का हिस्सा है। लेकिन बच्चों को मैं यही कहूंगी कि बैलेंस रखिए, स्कूल और ग्रेड्स अच्छे ज़रूर आने चाहिए, साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी रखें, और माँ बाप जो हैं वो माँ बाप हैं, उनका रद्दबदल उनका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, तो जस्ट आप इज्जत जो है ना उसको, रिस्पेक्ट को मत भूलिए। लवली लवली, थैंक यू वेरी मच शवाना, थैंक यू सो मच। शवाना ने आपको इतनी अच्छी जबरदस्त बातें बता दी पेरेंटिंग के हवाले से कि माँ बाप का क्या रोल है, बच्चों का किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों में, तो डेफिनेटली बहुत यूजफुल टिप्स हैं। और शवाना भी हमारे साथ मजीद कुछ दिन आने वाली है, तो आप अगर कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें बताएं, हम शवाना से कहेंगे, उस पर आपको डिटेल काउंसलिंग करेंगे। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान जो हमें ज्वाइन करने वाले, आप देखते रहिए जागो लाहौर।